फेंस पर खुलेआम 25 रुपए में बिक रहा है मौत का सामान। प्रशासन को है फिक्र ना, बदमाशों को है डर। पार्क में टहलने निकले तो युवक की मिली अर्धनग्न लाश। इलाके में मची सनसनी। विदेशियों को गैर कानूनी रूप से अमेरिका में बने रहने में मदद करने के आरोप पर 8 भारतीय गिरफ्तार। तो देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली गाजियाबाद सड़क पर 25 रुपए में शराब बेचने वाले दो युवाओं का वीडियो सामने आया है, जो शराब की कुछ पेटियां लेकर रोड पर बैठे रहते हैं और प्रत्येक बोतल को 25 रुपए में बेचते हैं। मजदूर और कुछ रिक्शा वाले इनसे इस तरह की बोतलें ले जाते हैं। पहले भी इस तरह की शराब पीने से लोगों की मौत की खबरें आती रही है। ये वीडियो गाजियाबाद के लोन इलाके का है। लोगों का कहना है कि इस तरह रोड पर शराब मिलने से युवा लड़के भी बिगड़ रहे हैं, उन्हें भी शराब की लत लग रही है। नई दिल्ली पश्चिमी जिले के विकासपुर इलाके में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद युवक के शव को पार्क में फेंक दिया गया, जहां युवक का शव नग्न अवस्था में मिला है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय बलराम के रूप में हुई। वह इंडिया पार्क जे जे कॉलोनी में रहता था। वॉशिंगटन अमेरिका के आवाजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने धोखाधड़ी कर सैकड़ों प्रवासियों को छात्रों के रूप में देश में अवैध तरीके से बने रहने में मदद करने के आरोपों पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग या तो भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल के